हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 5th आज हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, कि आखिरकार भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो रहा है या कैसे आपका ह्यूमन कैपिटल बनता है इंडिया में, उसकी पूरी प्रोसेस को हम लोग समझने का इसमें प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किन चीजों पर वो आपका चर्चा होगी, थोड़ा सा उनको भी गौर करके हमको ध्यान में रखकर ये सारी चीजों को आपका पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, इस मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणा को समझेंगे। यानी कि तीन चीज है, मानव संसाधन क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है और मानव विकास की अवधारणा क्या है। अगला है मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंध को जानेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को अवश्य समझेंगे कि कैसे हेल्थ और एजुकेशन पर जो है आपका गवर्नमेंट अपना खर्च कर रही है, उसकी प्रायोरिटी को पढ़ेंगे। दूसरा है भारत की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में जो है आपका जो जानकारी है, हम उनको प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग गौर करके आपका एक एक करके थोड़ा सा हम इन सभी को आपका देखेंगे और इन पर जो है हम आपका बात करेंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा इन सभी का। चलिए, तो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल का एक कोटेशन है और इस कोटेशन के साथ हम लोग चैप्टर अपना शुरू करेंगे। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एक बार थोड़ा सा आप मेरे प्यारे बच्चों इनके विषय में गूगल करिए और पढ़िए, आपको अल्फ्रेड व आपके मार्शल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो एक बार आप लोग गूगल करके इनके विषय में, थोड़ा इनके जीवनी के विषय में जरूर गौर करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आखिर में कौन थे अल्फ्रेड मार्शल। आइए देखते हैं। कह रहे कि शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कह सकते हैं सार्वजनिक को, निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो सकता। इसमें निवेश मात्र ही लोग उसको अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त होगा, जितना कि वे स्वयं से प्राप्त करते हैं। इनके माध्यम से वे किन्हीं ऐसे व्यक्ति में अंतर्निहित योग्यता उजागर कर पाते हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। कैसे हैं? जो अन्यथा बिना ही पहचान के आपका मर जाते हैं। ठीक, आइए देखिए। देख लिया ये किसने बोला है? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। आइए हम परिचय का जो उसका है, हम इसके परिचय को पढ़ते हैं और जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी हम उनको गौर कर कर एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इसका पहले परिचय के क्रम में अगर हम लोग बढ़ें तो इसका पहले परिचय का सबसे है कि देखिए, मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। कह रहे जो मानव जाति के जो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट है, हमें उन पर गौर करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने और उसकी प्रसारण की क्षमता की है। और क्या है? उसके प्रसारण की ही आपकी क्षमता है, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आए हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्यों में कुशलता पूर्वक करने अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। अब आप देखिए, दो चीज आपको मिली है। कह रहे हैं जो भी आदमी के काम करने की क्षमता है, चाहे उसकी बातचीत है, लोग किसी भी प्रकार से वो एक्सप्लेन करता है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति के पास कितना अच्छा प्रशिक्षण है, कितना अच्छा आपका कौशल वो जानता है। इन चीजों पर ये सारी चीजें बड़ी क्या होती हैं, बहुत फैक्टर इम्पोर्टेंट करती है। और किसी शिक्षित व्यक्ति, अगर कोई मान लीजिए कि कोई आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति का जो श्रम होगा वो अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। ऐसा होता है, उसे अधिक होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है,
अनस्किल है, यानी कि उसके पास देखिए दो चीज होती है, एक है कि आपका पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित और अशिक्षित हो सकता है, एक है कोई स्किल नहीं है। स्किल मतलब आप किसी काम को जानने करने का कोई कौशल आपके अंदर नहीं है। ऐसी कंडीशन में एक अकुशल व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम होगी आपका शिक्षित और कुशल व्यक्ति से। क्लियर है? इसीलिए आपको पता होगा हमेशा कार्य की, हम कहते हैं ना कि कोई ना, देखिए आम भाषा में हमारे गांव में एक कहावत प्रचलित है कि हमें कोई ना कोई काम जरूर आना चाहिए। उस काम का अभिप्राय एक किसी खास कौशल या ज्ञान से है कि आप किसी के विषय में कोई काम करना जानते हो, आपने कोई ट्रेनिंग ली हो, चाहे आप अच्छे से कोई भी, देखिए आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको किसी ने कोई, आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है, आपने मैकेनिकल में किया है, ऑप्टो में किया है, क्लियर हो गया, और आपने सिविल में किया है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपने डिप्लोमा किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आप जो है मेरे प्यारे बच्चों दूसरों के मुकाबले अधिक कौशल हो सकता है। इसी कारण से पहला और दूसरे की अपेक्षा अधिक आय अर्जन करेगा, और यही कारण है कि जो काम अच्छा करेगा यानी कि जो शिक्षित है और कुशल है उसकी इनकम कैसी होगी, अधिक होगी। तुलनात्मक रूप से जो आपका अनस्किल होगा और अनएजुकेटेड होगा, हम उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो, ठीक, ये चीजें हमको थोड़ी सी गौर करके इनको ध्यान रखना था। अब देखिए जाहिर सी बात है, जो अनस्किलफुल होगा उसे वेतन भी कम मिलेगा, वेतन कम मिलेगा तो जो उसका जो वेतन होगा वो उसके अपने पालन पोषण में, अपने भरण में खर्च हो जाएगा, सेविंग उसके पास होगी नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत होना आपका लाजमी है। आर्थिक समृद्धि में योगदान क्रम से अधिक होता है, और कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, स्किलफुल लोग हैं, उन्हीं का क्या होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या होता है, आपका योगदान यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपजन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके और अधिक मूल्यवान लाभ है। शिक्षा लोगों को उत्तम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। कह रहे जो शिक्षा है वो क्या करती है लोगों को, जो सामाजिक स्थिति है और जो गौरव है ये सब प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के लिए योग्य बनाती है। क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को बेहतर विकल्प के लिए आपका चयन करने के लिए योग्य बनाती है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तन को बेहतर समझना समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। क्या करती है, जो नए परिवर्तन को बढ़ावा देती है और शिक्षित श्रम की उपलब्धता है, इन सभी पर आपका विशेष खास कौशल उनको प्रभाव जो है प्राप्त कराती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा गौर करके हमको देखना होता है। एक आगे देखिए, समान भूमि की मात्रा होने पर भी उसकी उपज मुझे, अब देखिए दोनों की समान उपज हुई है, अब एक इमेज दिया गया है किसान के समुचित शिक्षा प्रचंड खेत में उत्पादन वृद्धि होती है, यानी कि जो समाज आपका, जो कोई आपका किसान है अगर वो शिक्षित है और प्रशिक्षित है तो उसके खेत का जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा। अब देखिए ये व्यक्ति है आपका पढ़ा लिखा और ये है अनस्किलफुल, तो देखिए प्रोडक्शन को आपको दिखाया गया है, जो स्किल वाला है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, अनस्किल का कम हुआ है, जबकि खेत कैसे है, जोत का आकार समान है, तो ये फर्क पड़ता है शिक्षा का। इस इमेज को एक बार अच्छे से देखिए, कह रहे हैं क्या कहा है, समान भूमि की मात्रा होने पर भी उपज मुझसे अधिक कैसे है, अभी ये आपकी चिंता कर रहा है, लेकिन ये चिंता का उसे पता नहीं है कि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, समुचित शिक्षा यानी कि पर्याप्त एजुकेशन और स्किल है। देख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है क्योंकि विकास प्रक्रिया को तेजी करती है। कह रहे कि अगर विकास होगा तो वो प्रोसेस आपका कैसा होगा, तेज होगी। अब इसमें हमको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको समझना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानव पूंजी क्या है, ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी क्या है। देखिए बार बार ये शब्द मिलेगा, आप
ग्यारहवीं के बाद 12वीं में आएंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन जाएंगे, वहां अगर आप अपना विषय लेते हैं इकोनॉमिक्स, तो वहां भी आपको मानव पूंजी, कैपिटल आपको समझना होगा। लेकिन अगर आज यहाँ आप इसका बेस पढ़ लेते हैं कि आखिर में मानव पूंजी है क्या, किस लिए जरूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, तो आप, मैं नहीं मानता कि आपको बाद में कोई दिक्कत होने वाली है किसी प्रकार की। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर, पहले आपने पढ़ भी लिया होगा, रिविजन भी किया होगा, मुझे बताइए मानव पूंजी क्या है, कौन बच्चा बताएगा? कोई बताएगा कि आपका मानव पूंजी क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखाने जैसे भौतिक में परिवर्तित कर सकता है, कह रहे हैं कोई भी एक देश है उसके पास कुछ भौतिक संसाधन है, जैसे भूमि क्या होती है, भौतिक संसाधन होती है, ठीक, फिजिकल रिसोर्सेस, को कारखाने जैसे भौतिक पूंजी में परावर्तित कर, यानी कि आप किसी चीज को परावर्तित कर, कोई आपको खनिज चीज मिली है, कोई मेटल, कोई वस्तु मिली, आपने उसको कारखाना ले गया, कारखाना लेके आपने उसका परिवर्तन कर दिया, तो उसी प्रकार वह क्या है, आपका छात्र रूपी मानव संसाधन है। अब देखिए, एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं छोटा था या आप छोटे हैं, अभी आप बड़े होते रहे, मैं आपको शिक्षा देता रहा, और एक दिन शिक्षा देते हुए आपने MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर के बाद आपने MD कर लिया, फिर आप लोगों को आप दवाई देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, और ऐसे क्रम में ठीक करने वालों की संख्या अब तक 10-12 लाख हो चुकी है, 10-20 हजार हो चुकी है। तो जो आपने अभी तक एक छात्र को आपने डॉक्टर बनाया है, तो ये छात्र से डॉक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है, या जो आपने छात्र से जिसको डॉक्टर बना दिया है, यही है मानव पूंजी, यानी कि मानव का विकास ही मानव पूंजी है। यानी कि एक आम व्यक्ति को, जो अनस्किलफुल अनएजुकेटेड पर्सन को आप स्किलफुल और एजुकेटेड बनाते हैं, इसी को कहते हैं मानव पूंजी। अब मुझे बताइए, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति किसी का ऑपरेशन कर सकता है? देखिए, मार ही देगा किसी को, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा स्किलफुल व्यक्ति किसी का ऑपरेशन करेगा, तो वो क्या होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 100% चांस रहते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या कह रहे हैं, देखिए, छात्र रूपी मानव संसाधन को हम क्या बना सकते हैं, किसी भी एक छात्र को हम, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें, हम उसकी पढ़ाई को अच्छे से कराएं, तो हम उसको नर्स बना सकते हैं, हम उसको किसान बना सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में पढ़ा लिखा किसान बहुत जरूरी है, हम अध्यापक बना सकते हैं, हम अभियंता बना सकते हैं, और कह रहे हैं डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में विभिन्न परावर्तित करता है, समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, और कह रहे हैं कि जो समाज है, समाज में सबसे पहले क्या चाहिए, पर्याप्त आपकी मानव पूंजी, यानी कि लोगों पास स्किल हो, पढ़े लिखे हो, वो हमको सबसे पहले आपका चाहिए, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक होते हैं, और कैसे हो, जो आपके अधिक योग्य व्यक्ति हैं, जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। यानी कि सिंपल है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि क्या हो, कि आपको शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में बेहतर मानव बनाना है, तो उसके लिए मानव संसाधन को, जो अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बनाने के रूप में परिवर्तन करने के लिए आपको निवेश करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, एक छात्र को, छात्र इस समय क्या है, मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, अब आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, मानव पूंजी बनाना है, तो उसके लिए आपको उसमें निवेश करना होगा। निवेश का मतलब होगा आपको शिक्षा में पैसा खर्च करना होगा, उसके स्वास्थ्य में, उसके पोषण में, तभी तो वो क्या बन पाएगा, एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान,
इस प्रकार की चीज आपके बन पाएगा, जब तक हम उसमें आपके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते तब तक वो आपका नहीं बन सकता। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें। मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है? क्या मानव पूंजी का क्या स्रोत है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी में कोई संबंध है? आइए तो हमें इस संबंध के विषय में थोड़ा सा गौर करके देखना है। ठीक, क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि जो आपके क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दें इसमें क्या क्या प्रयास करें। तो मानव पूंजी का स्रोत क्या है, फिर क्या है, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध है, दूसरा पॉइंट देखना, और तीसरा, क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है या किसी आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है, कैसे है या फिर किसी को मानव विकास के रूप में जाना जाता है, ये हमको अच्छे से देखना है। तो आप इन सारे पॉइंटों को नोट करिए। नोट करने के साथ आप इसमें जो हमने पढ़ाया है अभी तक, जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इसको समझे हैं, इसको एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया इतने बच्चों आप लोगों ने, आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, कह रहे हैं कि चौथा पॉइंट है, भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि सरकार ऐसी क्या आपका इंपॉर्टेंस रोल निभा सकती है ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, क्या वो कुछ कर सकती है इसके विषय में, सरकार की भूमिका मतलब उसका रोल को क्या है, उसका रोल क्या है, उस रोल को आपका भारत सरकार को हमको देखना है। अगला है मानव पूंजी के स्रोत कि कौन कौन से स्रोत हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, देखिए यहां देख रहे थे कि मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके आपका चर्चा करेंगे, चर्चा करके गौर करेंगे और सारी चीजों को जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। ये कैसे हैं? ये सभी मानव पूंजी के निर्माण के क्या हैं? अलग अलग स्रोत हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों करते हैं? अब देखिए क्वेश्चन का वो हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो आपके माता पिता हैं आपकी शिक्षा पर व्यय का मतलब है खर्च क्यों करते हैं, मुझे बताइए। इसलिए खर्च करते हैं कि अगर आज आप पे खर्च किया गया, खर्च का मतलब है जो आप पे निवेश कर रहे हैं, अगर आज आप पे निवेश किया गया तो आज आप एक आम लड़के कल दिन को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक कुछ भी बन सकते हैं, क्लियर है? तो आप अभी क्या हैं? संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन कल आप पर अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो कल आप क्या बनेंगे? ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, मानव पूंजी बनेंगे। तो उसी के लिए सब प्रयास करते हैं। व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर कुछ इस प्रकार खर्च है, जैसे कि कंपनी निश्चित अवधि के दीर्घकालीन लाभ को सुधारने के लिए पूंजी वस्तुओं पर करती है। आप देखते हैं कि बहुत, आपने देखा कुछ कंपनी होगी वो अब पैसा इन्वेस्टमेंट इसलिए करती हैं ताकि आज पैसा लगाएंगे तो बहुत लंबे समय के बाद इसका प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आज आप पे पैसा लगाया जा रहा है तो आज से 10-15 साल के बाद वो पैसा उसका वापस मिलेगा लाभ के रूप में, यानी कि आज आपको पढ़ा रहे हैं, कल आप डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे तो कल आप एक अच्छी इनकम आपका जनरेट करेंगे, फिर वो उनको वहां से लाभ देखता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है, और कह रहा है जो व्यक्ति है अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या करता है? अपनी शिक्षा पर जो है आपका निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए
एक महत्वपूर्ण आदत माना जाता है। क्या करा जाता है, ध्यान रखना है, देश की शिक्षा के भांति ही जो हेल्थ है, यानी कि जितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि व्यक्ति के साथ साथ देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको किसी देश का विकास करना है तो वहाँ एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा किया है तो ये निश्चित है कि आपके वहाँ जो व्यक्ति हैं, जो मानव संसाधन व्यक्ति हैं, देखिए व्यक्ति का जो मेरा संबंध है आपके संसाधन से है, उनको पूंजी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से आपका स्वस्थ होगा, तो शिक्षा प्राप्त करने और कार्य करने में उसे कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? अब मुझे बताइए कि अगर कोई काम है उस काम को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? तो अब बताइए, बीमार व्यक्ति थोड़ी ना कर सकता है, स्वस्थ करेगा। तो इसलिए एजुकेशन के साथ साथ किस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाकर रखना है, तो वो फैक्टर है हेल्थ पर। क्लियर है? और कह रहे हैं कि चिकित्सक सुविधाओं के सुलभ नहीं होने के पर बीमार श्रमिक कार्य में विमुख रहेगा। अगर आपको उनको देखने के लिए उसको डॉक्टर नहीं मिलेगा तो बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो वो कार्य नहीं करेगा, और कार्य नहीं करेगा तो उत्पादन में यानी कि जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। अतः इस प्रकार स्वास्थ्य पर मानव पूंजी के व्यय का निर्माण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि ये भी एक कैसा है, एक इम्पोर्टेंस आपका पहलू है मानव हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा है, एक इम्पोर्टेंस पहलू है। आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं थोड़ा वैसी में पृथ्वी से भी आयु विज्ञान यानी कि टीकाकरण, चिकित्सा आयुर्वेद विज्ञान यानी बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, सामाजिक आयुर्विज्ञान यानी के स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता का ज्ञान प्रसार, इसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल और प्रावधान खर्च होने वाली राशि व्यय पर विभिन्न रूप में है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वास्थ्य बल श्रम की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। कह रहे कि अगर आपने स्वास्थ्य में खर्च किया है तो उससे लोगों का जो श्रम है, जो लेबर पावर है, वो बढ़ेगी और उसका सीधा रूप हमको दिखाई देगा। इस पर आपका मानव पूंजी पर ये सीधा आपको इसका जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो सीधा प्रॉफिट कहाँ दिखाई देगा, तो आपको मानव पूंजी पर आपका सीधा जो है वो आपका दिखाई देगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब कह रहे हैं कि फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पर व्यय करती है। अब आपने मान लीजिए कोई भी फर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी है, जितने भी अपने कर्मचारी है उनको जहाँ काम करती है उसका वो क्या देती है, प्रशिक्षण यानी कि उसकी ट्रेनिंग कराती है। आप अगर बच्चों पुलिस में भर्ती हो गए तो पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या कराएगी सरकार, आपको ट्रेनिंग कराएगी। सीधा ऐसे नहीं कि आपको उठाकर थाने बैठा देगी। या फिर अगर कोई बच्चा आर्मी एयरफोर्स में भर्ती होता है तो ऐसा नहीं कि सीधा उसको आपका बॉर्डर पर भेज देगी, नहीं, एक उसका पूरा ट्रेनिंग होती है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, हर एक चीज को सिखाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ क्या होता है, यहाँ भी जो भी फर्म है वो अपने कर्मचारी को क्या करती है, ट्रेनिंग पे व्यय यानी कि खर्च करती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, फर्म के साथ कार्य स्थल पर ही पहले से काम करने को जानने के लिए जो आपके कुशल कर्मिक हैं, कर्मचारी को काम सिखा सकती है कि किस तरह से उनको काम सीखना है, ये सारी चीजों के विषय में वो सिखा सकती है। तो हमको इन चीजों पर गौर करके देखना है। दूसरे कर्मचारी को किसी अन्य संस्था स्थान में पिछड़ देने के लिए भेज सकती है, यानी कि वो अपने कर्मचारी के लिए कहीं और भेज दे, किसी भी आपका इंस्टीट्यूशन के पास वो भेज सकती है कि आप हमारे जो आपके एम्प्लॉय हैं आप उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करा दीजिए। दोनों ही गतिविधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण का कुछ वहन करती है। इस कारण से फर्म इस बात पर बल देगा कि प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक आवश्यक फर्म से ही के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय उगाही अधिक उत्पादक साथ से हुआ है, लाभ के रूप में कर पाना सफल रहा है। कार्य के प्रशिक्षण किया गया है, व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है।
ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई है और लाभ अधिक हुए हैं। कैसे हैं? जो आपके लाभ हैं वो आपका कहीं अधिक हुए हैं, ठीक? कैसे हैं? लाभ अधिक हुए हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हेल्थ जो है कितना आपका इम्पोर्टेंस रोल निभाता है, या फिर कह सकते हैं कि कितना जरूरी है हमारी शिक्षा के लिए। एक बार देख लीजिए जितना पढ़ाया है, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, आप इसे अच्छे से देख पाए इतने को, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें गौर करके देखते हैं। कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक वाले रोजगार की तलाश में तरवसन पलायन करते हैं। क्या होते हैं? जो व्यक्ति हैं वो आपका रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, पलायन करते हैं, प्रवसन मतलब स्थान पर रहने लगते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण है। यानी कि लोग जो हैं गांव से जो शहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मुख्य अगर आप कारण देखें तो वो आपका बेरोजगारी है। कैसा है? वो आपका बेरोजगारी है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनों की अपेक्षा दूसरे देशों में चले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो बढ़िया डॉक्टर हैं उनको प्रॉपर वेतन नहीं मिलता, वो क्या है? वो भी दूसरे जगह जो आपके देश हैं उनमें चले जाते हैं। और प्रवसनों के दोनों स्थिति में परिवहन की लागत और उसका निर्वाह के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिकता प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती है। अब कह रहे हैं कि एक पता ना एक ऐसा अनजाना जो आपकी संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ के माहौल में हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाते तो वो समस्या हमको झेलनी पड़ती है। किंतु नए स्थानों पर उनकी कमाई प्रवास के से सभी जुड़ी लागतों से कहीं अधिक है, अतः प्रवसन पर व्यय भी मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। कैसा है? मानव पूंजी का जो निर्माण है उस निर्माण का एक आपका स्रोत है। एक व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त व्यय करते हैं, यह जानने चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतन क्या है, या फिर शैक्षणिक संस्था सही प्रकार से कौशल का प्रशिक्षण देती हैं, और किस लागत पर यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने का पर्याप्त भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार और अन्य बाजार के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर मानव भी यानी कि व्यय भी मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के अनुसार पर ही मानव पूंजी में वैचारिक आधार पर ही रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समान समरूपता तथा प्रभावशाली असमानताएं हैं। कैसे हैं? प्रभावशाली असमानताएं हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं हमको बहुत आराम से आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक? ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्या मिलती हैं? ये चीज। अगला है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि को जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका कल के लेक्चर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जितना हमने पढ़ा है उसके एक बार वापस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जानने का, ताकि हमारा कोई अगर किसी का डाउट है तो वो डाउट अच्छे से कैसे हो जाए, दूर हो जाए। तो चैप्टर है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। उसी निर्माण क्रम में हम देख रहे थे, पहले परिचय पढ़ा, अल्फ्रेड आपका मार्शल का जो एक हमको कोटेशन मिला था उसको हमने पूरा अच्छे से देखा, उसको जानने की कोशिश की, फिर देखा कि कैसे एक पढ़ा लिखा किसान और स्किलफुल किसान और एक कैसे अन्य किसान से अधिक उत्पादन करता है,
इसके विषय में हमने जानकारी जुटाई। मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी का स्रोत क्या है, इन स्रोत को हम लोग आपका देख रहे थे। अगर हम लोग अपने हेल्थ और एजुकेशन पर आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे क्या लाभ होंगे। आज अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो क्यों पढ़ा रहा है, क्या उसका रीजन रहा है। दूसरा, हम देखते हैं कि आपका जो आपके पलायन है वो गांव से शहर की ओर हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। ठीक, कैसे आपका बहुत सारी कंपनियां अपने लोगों को आपका ट्रेनिंग देती हैं, कार्य से जुड़ी संबंधित जानकारियां हैं, वो सारी चीजें क्या कराती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, ताकि बाजार चीजें उत्पन्न हो सके और सही चीजें बन सके और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करके हम एक मानव पूंजी का निर्माण कर सके। ये सारी चीजें हम लोग अपने लेक्चर में जो है मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देख लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।